मैं बनाऊंगी मीठी सेमिया, वो भी बिना दूध के। अगर आप भी मीठे खाने के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि फटाफट इंस्टेंट बनके रेडी हो जाए, तो आप बना सकते हैं ये मीठी सेमिया, जिन्हें बनाने में आपको लगेंगे सिर्फ 5 से 10 मिनट। और ये मीठी सेमिया खाने में बहुत टेस्टी लगती है। सो इस वीडियो के बाद अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप मेरे चैनल के थ्रू सबसे पहले आप पैन में डालें 2 चम्मच घी। आप डालडा घी, देसी घी कोई भी ले सकते हैं, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी को आप अच्छे से पहले मेल्ट होने दें। मेल्ट होते ही आप इसमें डाल दें सेवियाँ। मैं यहाँ पे ये वाले 2 बोल सेवियाँ ले रही हूँ। और यहाँ पे अगर आपके पास रोस्टेड सेवियाँ हैं मार्केट से ली हुई, तो आपको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। सो मैं अनरोस्टेड सेवियों को यहाँ पे ले रही हूँ और इन्हें मैं एकदम ब्राउन होने तक लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए रोस्ट करूँगी। सेवियाँ जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें कुक करने के लिए इनमें डालेंगे पानी। लो फ्लेम पे आप इसमें डाल दें पानी। मैं यहाँ पे 2.5 बोल पानी डाल रही हूँ और मैंने सेम बोल लिया है पानी के मेजरमेंट के लिए। सो आप 2.5 बोल पानी डाल लें इसमें। और अब पानी के सूखने तक और सेवियों के बॉईल होने तक हम इन्हें कर लेंगे अच्छे से कुक मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे पानी सूख चुका है, हमारी सेवियाँ काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट एंड बॉयल हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। मैं यहाँ पे वही सेम बोल ले रही हूँ और मैंने 3/4 बोल इसमें चीनी डाली है। आप अपने स्वीटनेस के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल सकते हैं और चीनी को भी आप अच्छे से इसमें कर लें मिक्स। और चीनी के घुलने तक आप इसे दोबारा कुक करें और चीनी को अच्छे से आप मिक्स करते करते इसे कुक कर लें। और आप देखेंगे यहाँ पे चीनी डालने के बाद इसमें फिर से मॉइस्चर आएगा, आपको ये मॉइस्चर सुखाना होगा इसमें। सो आप हाई फ्लेम पे कुक कर सकते हैं इसे। और यहाँ पे जो है मॉइस्चर अच्छे से सूख चुका है, हमारी जो सेवियाँ हैं वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली बनी हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। और उसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई हरी इलायची का पाउडर, जिससे एक बहुत अच्छी अरोमा आएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इन सारी चीज़ों को भी आप अच्छे से मिक्स कर लें और अपनी फ्लेम को कर दें बंद। और आपकी मीठी सेवियाँ वो भी बिना दूध के बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। है ना इससे बनाना कितना आसान। सो अगर आपका मीठा खाने का मन करे और आप चाहें कि कुछ इंस्टेंट बनके रेडी हो जाए, तो आप ये मीठी सेवियाँ 5 से 10 मिनट में बना के इंजॉय कर सकते हैं। आप जिन्हें भी खिलाएंगे उन्हें ये ज़रूर पसंद आएंगी। सो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके इसे बनाएं और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ जरूर शेयर करें। अब मैं आपसे मिलूंगी ऐसी ही बहुत ही इंस्टेंट एंड टेस्टी रेसिपीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।